बेहतरीन मौका है अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या उससे अफिलेटेड किसी भी कॉलेज में आपने इनरोलमेंट लिया हुआ है, मतलब किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं किसी भी कोर्स में, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय क्रीडा का आयोजन होने जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा। कुछ खेलों में होने जा रहा है, कुछ क्या, कुल 31 खेल हैं जिनमें ये प्रतियोगिता होने जा रही है। उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इससे जुड़े लगभग 700 कॉलेज जुड़े हैं, 700-800 कॉलेज, तो आप किसी के भी स्टूडेंट हैं तो इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। खेल कौन कौन से हैं? वॉलीबॉल महिला पुरुष दोनों के लिए है, बास्केटबॉल है महिला के लिए अलग से, पुरुष के लिए अलग से, खो खो भी है महिला के लिए अलग से, पुरुष के लिए अलग से, हैंडबॉल का खेल है, हॉकी का खेल है, क्रिकेट का खेल है, कबड्डी का खेल है, कबड्डी का खेल भी पुरुष महिला दोनों के लिए है। मैंने अब तक जितने खेलों के नाम गिनाए हैं सारे के सारे जो गेम्स हैं वो पुरुष महिला दोनों के लिए हैं, मतलब गर्ल्फ और बॉयज़ दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फुटबॉल भी सेम वही बात है, कुश्ती भी पुरुष एवं महिला दोनों की अलग अलग होनी है, शतरंज पुरुष एवं महिला का होना है अलग अलग, बैडमिंटन का भी यही हाल है, एथलेटिक्स का भी यही हाल है, तैराकी, शूटिंग, ताइक्वांडो, जूडो, आर्चरी, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, पावर लिफ्टिंग, योगा, ये ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करवाया जा रहा है। पहला स्तर तो आपका अपना कॉलेज का होगा, अगर आपकी कॉलेज की टीम बन पाती है तो फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलेंगे विश्वविद्यालय के स्तर पर, अगर वहाँ आप जीतते हैं तो उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज लेवल पे खेलेंगे, उससे अगर आप जीतते हैं तो आप इंटर यूनिवर्सिटीज जितनी भी नेशन वाइड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे खेलेंगे, अगर उनमें भी आपकी टीम जीत जाती है तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने का मौका पा सकते हैं। हालांकि ये नोटिस सीधे तौर पे छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, ये आपके कॉलेज के प्राचार्य या जो भी डीन है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के उनके लिए है, लेकिन आपने कॉलेज के प्रिंसिपल पे या जो भी आपके कॉलेज के आपके डीन हो, HOD हो, उनसे संपर्क करिए और उसके बाद आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और ये नाम जो है 30 सितंबर 2020 तक हर हाल में चले जाने हैं, तो आप अपने यहाँ जो भी प्रधानाचार्य हों, प्राचार्य हों, प्राचार्या हों, या आपकी जो भी क्रीडा विभाग के जो भी हेड हों आपके कॉलेज में, तो आप उनसे 30 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो आप उनसे इससे पहले ही कहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका नाम चला जाए, आपकी टीम तैयार हो जाए। सारे मानकों के उनका मानक जितने भी हैं COVID-19 के लिए, जितने भी बचाव कार्य हैं उनको देखकर ही ये सारा कुछ आयोजन होगा, क्योंकि साफ साफ इस नोटिस में लिखा हुआ है कि COVID-19 संक्रमण काल समाप्त होने की दशा में आवश्यक सावधानियों एवं बचाव के नियमों का पालन करते हुए नवंबर या दिसंबर माह में ये अंतर विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताएँ कराई जा सकती हैं। फिलहाल बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, जैसे छोटी बड़ी खबरें आती हैं हम आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, थैंक यू।